नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कार यूनिवर्सिटी के एक नई वीडियो में आज आपके सामने है आई ट्वेंटी का एक न्यू वेरिएंट जिसका नाम है आई ट्वेंटी स्पोर्ट्स टोन चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या फ़ीचर्स ऑफर किए गए हैं और कितना वैल्यू फॉर मनी है ये वेरिएंट इसकी ओवरऑल लेंथ मैं बता दूँ तीन हज़ार नौ सौ पचानवे एम एम इसकी लेंथ है विड्थ इसकी सत्रह सौ पचहत्तर एम एम की है और व्हील बेस इसका पच्चीस सौ अस्सी एम एम का है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस इसी का है चलिए इसका फ्रंट लुक शुरू करते हैं चेकआउट कर लेते हैं तो फ्रंट में आप नोटिस करोगे स्मोक्ड आउट इसके हेडलैम्प है टोन कलर में है वाइट कलर में ऊपर की तरफ रूफ ब्लैक कलर की मिल जाती है ग्रिल भी आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक कलर की ग्रिल है पूरी एलईडी डीआरएल मिल जाती है नीचे की तरफ फॉग फॉगलैप्स नहीं मिलते हाउसिंग जरूर मिल जाती है हेडलैम्प्स आप देख सकते हो नॉर्मल हेलेजोन हेडलैम्प्स है लेकिन स्मोक्ड आउट है ब्लैक कलर में यहाँ पर डीआरएल एंड फॉग लैम्प के लिए जगह छोड़ी गई है कहीं ना कहीं इसका स्पोर्टिक कैरेक्टर है तो यहाँ पर शार्प एजेस और बोनट पे भी शार्प फिनिशिंग आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा महंगी हैचबैक है ये इन द सेगमेंट इसके टॉप मॉडल में हमें सन भी ऑफर की गई है टायर आप देख सकते हो स्टाइल व्हील मिलता है यहाँ पर स्टील रिम है लेकिन स्टाइल व्हील है यहाँ पर 195 नाइनटी फाइव आर सिक्सटीन इंच का टायर मिलता है जो कि टॉप मॉडल में आता है वही टायर यहाँ पर मिल रहा है हमें लेकिन अलग व्हील्स नहीं मिलते टॉप मॉडल वाले यहाँ पर स्टाइल व्हील मिल जाता है और भी हम आप देख सकते हो इंडिकेटर के साथ है एलई टर्न इंडिकेटर है इस पर यहाँ पर क्रोम की लाइनिंग भी मिल जाती है टॉप मॉडल वाली बहुत ही खूबसूरत लगती है ये रनिंग बोर्ड यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर में और आई ट्वेंटी की बैजिंग के साथ है बॉडी कलर में इसके डोर हैंडल्स है यहाँ पर आप नोटिस करोगे इसके शार्प डिज़ाइन को यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर का एलिमेंट यूज़ किया गया है यहाँ पर इसकी टेल लाइट भी बहुत अग्रेसिव रखी गई है आई ट्वेंटी की बैजिंग है इस पर ऑलवेज ऑन मोड में रहती है ये इस तरह से सी शेप में स्पोर्ट्स की बैजिंग मिल जाती है क्रोम की लाइनिंग पीछे भी है प्रीमियम लुक देने के लिए यह इसकी टेल लाइट जो ऑलवेज ऑन मोड में ऑन रहती है रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर टर्न इंडिकेटर के साथ है यहाँ पर दो बल्ब मिल जाते हैं यह इसका रियर लुक यहाँ पर हमें वाइपर नहीं मिलता है लेकिन डिफॉगर स्टॉप लैम्प स्पॉयलर एंड शार्क फिन एंटेना जरूर मिल जाता है पार्किंग सेंसर से रियर बम्पर पर और कैमरा भी मिल जाता है दो रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं इसमें स्पोर्टी कैरेक्टर एंड प्रीमियमनेस बरकरार है लेफ्ट साइड में हमें फ्यूल कैप मिल जाती है इस तरह से इंसर्ट है यह टेल लाइट में 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसमें चलिए इसका इंटीरियर देखते हैं कितना प्यारा और खूबसूरत रखा गया है इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से डोर पैनल और इंटीरियर में आप नोटिस करोगे रेड कलर की स्टिचिंग एंड रेड कलर का यूज़ किया गया है जिससे वजह से ये स्पोर्टी कैरेक्टर मेंटेन हो जाता है स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो स्पोर्टनेस यहाँ पर दिखती है रेड इंसर्ट्स है जो कि क्रेटा के स्पोर्ट्स वेरिएंट में आते हैं वही इंसर्ट यहाँ पर देने की कोशिश की गई है डोर पैनल भी आप देख पाओगे पूरा ब्लैक कलर का इंसर्ट है और शार्प एजेस है डोर पैनल पर भी पावर विंडो के चारों कंट्रोल से यहाँ पर मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल इसके ओ आर है ये जी हमें बॉटल होल्डर मिल जाती है चार स्पीकर मिल जाते हैं टोटल इसमें ट्विटर्स नहीं आते लेकिन चार स्पीकरस मिल जाते हैं ये फैब्रिक सीट से रेड कलर की स्टिचिंग के साथ अंडर थाई सपोर्ट भी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है कंफर्टेबल सीट से हाइट एडजस्टेबल ट्राइवर साइड सीट मिल जाती है आई ट्वेंटी की बैजिंग है ये रेड कलर में आप देख सकते हो और दोनों एडजस्टमेंट हेडरेस्ट मिल जाते हैं इसमें इसकी चाबी मैं आपको दिखा दूँ लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग के बटन के साथ है दूसरी की तो नॉर्मली मिलती है लेकिन ये रिमोट की जरूर मिल जाती है इस तरह की फ्लिप की चलिए इसे बंद कर दें एंड स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता तो सिंपली हमें इसे इंसर्ट करना पड़ेगा तीनों बटन्स मिल जाते हैं एक ही की मिलती है इस तरह की और इसे इंसर्ट करने के बाद आप देख पाओगे टॉप मॉडल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने लगा है इसमें जी हाँ पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आप देख पाओगे यहाँ पर स्पीडोमीटर हो या आरपीएम मीटर फुल्ली डिजिटल शो होता है यहाँ पर बीच में भी आपको सा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड एनिमेशन देखने को मिलेंगे इसमें फ्यूल इकोनॉमी एवरेज डिस्टेंस टू एम टी टेम्परेचर इस तरह के एंड ड्राइव मोड इस तरह के बहुत सारे बहुत सारे जितने भी फीचर्स हैं वो सब यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगे आपको स्टीयरिंग में से ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील भी बहुत प्यारा और टॉप मॉडल वाला ही है बटर फ्लाई डिजाइन बोलते हैं इसे यूडाई वाले सिल्वर कलर का इंसर्ट भी है और रेड कलर के बटन्स मिल जाते हैं इस पर यह लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं है तो यहाँ पर हमें स्क्रीन के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं कॉल के भी और इस तरफ हमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और मैनुअल इसका वाइपर होने वाला है ऑटोमेटिक वाइपर नहीं है इसमें उसके कंट्रोल यहाँ पर है तो स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आप देख सकते हो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट स्टेयरिंग में मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है हेडलाइट लेवलिंग का बटन यहाँ पर है यह आठ इंच की टच स्क्रीन जो सपोर्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नेविगेशन इस तरह के फंक्शंस को टायर प्रेशर बाउंटिंग सिस्टम भी आता है इसमें यू एस बी ऑक्स ब्लूटूथ इस तरह की कनेक्टिविटी मिल जाती है यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा ब्लैक कलर का इसका पैनल रखा गया है ए सी वेंट्स का डिज़ाइन भी बहुत स्लिक रखा गया है हज़ार का बटन बीच में मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल से यहाँ पर मिल जाते हैं बहुत ही अच्छी बात है इसी वेरिएंट में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है छोटी सी डिस्प्ले भी है वहाँ पर बारह वोल्ट का सॉकेट फास्ट चार्जिंग मोबाइल के लिए मिल जाती है यू स्क्रीन के लिए भी मिल जाती है यह है इसका फाइव स्पीड मैनुअल ग्रेयर बॉक्स मैनुअल आई भी है इस तरफ हमें टिकट होल्डर बीच में सन होल्डर दो लाइट्स मिल जाती है येलो कलर की माइक मिल जाता है एंड यहाँ पर मिरर मिल जाता है तो यह था इसका कुछ इंटीरियर का लुक जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही प्रीमियम एंड टॉप मॉडल वाला ही इंटीरियर रखा गया है इसका ग्लो बॉक्स भी इसका डिसेंट साइज़ का एंड कूलिंग के साथ है चलिए अब रियर सीट पर जाके देखते हैं कितने फीचर्स एंड कन्वीनियंस हमें मिलता है तो यह है इसका रियर डोर आप देख सकते हो फुल्ली ब्लैक कलर में वैसे ही मिल जाता है कोई भी यहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं मिलता बहुत ही कुछ नहीं एंड कम्फर्टेबल इसकी सीट से फिक्स इसके हेडरेस्ट है अंडर द सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है रियर में स्पेस सबसे ज़्यादा इसी में मिलता है यहाँ पर चार्जिंग के लिए पोर्ट एंड दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं मोबाइल रखने के लिए जगह भी है यहाँ पर आर्मरेस्ट भी हमें सॉफ्ट टच में मिल जाता है जो कि फ़िक्स है एडजस्टेबल नहीं है और इसमें सबसे ज़्यादा लेगरूम और स्पेस मिल जाता है रियर में इन द सेगमेंट बलेनो एंड अल्ट्रो से भी ज़्यादा इसमें स्पेस मिल जाता है इसी वजह से ये बहुत लंबी चौड़ी है और महंगी भी है सबसे पैसे आप ज़्यादा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं क्वालिटी uh, आपको मिल ही जाती है चलिए बूट स्पेस देखते हैं इसका यह तीन सौ ग्यारह लीटर का बूट स्पेस हुक्स के साथ है दोनों साइड हुक मिल जाते हैं पार्सल ट्रे मिल जाती है एंड नीचे हमें स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि पंद्रह इंच का है स्टील रिम के साथ तीन सौ ग्यारह लीटर का बूट स्पेस एंड ऊपर कवरिंग भी मिल जाती है हमें टेलगेट पे चलिए देखते हैं इसका पेट्रोल इंजन इसमें डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है जो कि नाइन्टी एट प्रोड्यूस करता है लेकिन फिलहाल ये हमारे पास वन लीटर का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है एटी टू बी एच पी एक सौ चौदह एन एम टॉर्क के साथ कंपनी इसमें इक्कीस के एम पी एल की माइलेज क्लेम करती है लेकिन ये एक्चुअल में हमें सोलह सत्रह की माइलेज दे देगी सिटी में ये बारह तेरह की माइलेज देती है ऊपर नॉइस इंसोल्यूशन के लिए कुछ नहीं है क्योंकि बहुत रिफाइंड इंजन है ए बी एस यूनिट ई बी डी यूनिट यहाँ पर मिल जाती है एंड इसमें दो एयर बैग्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड हर किसी वेरियंट में ई एस पी ट्रैक्शन कंट्रोल हिल होल्ड हिल डिसेंट कंट्रोल इस तरह के फंक्शंस भी इसमें मिल जाते हैं ब्रेकसिस भी आता है चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में तो इसकी एक शोरूम प्राइस है आठ लाख आठ हज़ार रुपये और ये गाड़ी आपको ऑन रोड लगभग नौ लाख बीस हज़ार रुपये की मिलने वाली है तो लगभग मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी है ये क्योंकि क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज़ अप टू द मार्क बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है इंटीरियर की बात कर लो या एक्सटीरियर की टॉप मॉडल लगभग बारह तेरह लाख तक चला जाता है फिर भी लोग ले लेते हैं क्योंकि अलग ही क्लास है इसका